सबसे बड़ी बात ये है, कितनी दुखद बात है, समाज के वो लोग कहाँ हैं, कहाँ चली गई सहनशीलता हमारी। एक बहन को जिंदा जला दिया गया, आज जो गणपति बहन थी उसके, अब आज ये हम लोग कितने असहनशील हो गए हैं कि आज हम लोग सड़क पर नहीं है। एक उसके भाई को मार दिया गया, जिंदा जला दिया गया, छोटे बच्चे को मार दिया गया, कहाँ है ये समाज। मैं पूछना चाहता हूँ आज कि मेरे पास किसी पार्टी का बैनर नहीं है, लेकिन मैं इंसाफ के लिए यहाँ पर आया हूँ। मैं पूछता हूँ कहाँ है मेरे भाई, बात कहाँ है वो लोग जवान जो किसी भी बात पर सर पर उतरते हैं, कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, आज इंसानियत के नाम पर क्यों नहीं इकट्ठा हो रहे हैं। वो छा नहीं थी, वो किसी की बेटी थी, किसी की माँ थी, गर्भवती महिला थी, एक ऐसे 8 महीने का बच्चा जो उसके गोद में पल रहा था, जो उसके कोख में पल रहा था, उसको मार दिया गया। सरकार क्या कहती है, मैंने क्यों नहीं सर जो बोलते सुशासन की सरकार, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कहाँ है सुशासन, कहाँ है सुशासन। एक ऐसी महिला जो चीखती रही, चिल्लाती रही, जो कंटिन्यू आवाज देती रही थाना प्रभारी को कि सर मेरी मदद की जाए, 9 तारीख को उसको धमकी दे के जाता है और बाद में क्या होता है, 10 तारीख को ये हादसा होता है। इतना बड़ा आतंकी अपराध है ये, इतना बड़ा आतंकी अपराध है कि जिसके बारे में हम लोग कुछ नहीं कह सकते। हम तो क्षुब्ध है इस बात से कि क्या जमीन के लिए किसी गर्भवती महिला को इतनी निर्मम तरीके से छिलाकर हत्या कर दिया जाएगा, यह शोभनीय है। मैं आज मेरे आंखों में आंसू इसलिए नहीं है कि मैं कमजोर हूं, मैं कमजोर इसलिए हो गया कि समाज मेरे साथ नहीं। सर मैं इतना पूछना चाहता हूं कि आज पिंकी झा के साथ हुआ, कल हो सकता है कि कल पिंकी पासवान के साथ हो, कल हो सकता है पिंकी थानम के साथ हो, कल हो सकता है कि पिंकी यादव के साथ हो। मैं पूछना चाहता हूं कि समाज कहां है, समाज के नौजवान कहां है, कहां है छात्र जो अपने आप को सीना ठोक के कहते हैं, लेकिन आज इंसाफ के लिए कोई भी सड़क पर नहीं है। इसलिए नहीं है सड़क पर कि हम लोग जातिवाद की तरीके से पटे हुए हैं, लेकिन ये जातिवाद का मसला नहीं है, ये इंसानियत का मसला है, ये इंसानियत को जिंदा करने की बात है। अगर कि आज इंसानियत नहीं जिंदा है तो मैं कह सकता हूँ कि हम लोगों के जितना बड़ा पुलिस और कायर कोई नहीं है कि आज हम लोग इंसाफ के लिए नहीं खड़े हो रहे हैं। सर आज तो दुकान को खुद ब खुद बंद करना था, आज तो लोगों को खुद नहीं आना था कि नहीं आज पिंकी झा मरी है, कल मेरी बच्ची के साथ ऐसा हो सकता है, कल मेरी बहन के साथ ऐसा हो सकता है। कहाँ है ऐसे भाई लोग, कहाँ है ऐसे पिता लोग जो आज जमीन माफियाओं से डर कर अपने घरों से बाहर नहीं निकले। मैं पूछना चाहता हूँ अपने नौजवानों से कि आज डॉक्टर मुंडा खान अकेले यहाँ बैठा हुआ है, मैं अकेले चला था। मैंने कल फेसबुक के माध्यम से कहा था कि मैं हमेशा भीड़ लेके चलता हूँ, लेकिन मैं अकेले चला था और मैं चाहता हूँ कि समाज के लोग इस लड़ाई में साथ आए ताकि यहाँ का प्रशासन, दरभंगा प्रशासन जो मैंने चीज को बचा रहा है उसको सजा मिल सके। नहीं अगर कि आज इसको सजा नहीं दिला सके तो याद रखिएगा आने वाले वक्त में कोई भी नहीं बचने वाला है, और भू माफिया जिसको जैसे चाहेगा, जो मन में आएगा करेगा, कोई नहीं बच पाएगा। अगर अविलंब जो है सजा नहीं दिया जाएगा तो अगला कदम आपका क्या होगा? सर आज तो हम लोग सड़क जाम किए, आने वाले वक्त में उप आंदोलन करेंगे। हम सीधे तौर पर उस पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए की मांग करते हैं, और किसी न किसी को देखिए जब संजय झा को जो जिला को मारा गया, उस परिवार में एक ही आदमी था जो कमाकर पूरे परिवार को चलाता था, लेकिन देख लीजिए उसको मार दिया गया, जलाकर मार दिया गया, निर्मम हत्या कर दी गई। डीएमसीएस। आप सोचिए कि आपके घर में कोई बीमार होता है, जब आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं उस वक्त क्या होता है, एक आदमी को जलाकर मार दिया गया। समाज का शोर, समाज को सड़क पर होना चाहिए था, और जब तक कल्पित को सजा नहीं मिले समाज को जाके रहना चाहिए था कि कल समाज में कोई दूसरी बेटी के साथ मेरे दोस्तों, क्या मैंने गलत कहा है कोई बात? आज अगर हम वोट पे नहीं आए तो याद रखिए कल कोई भी भू माफिया आपको उठा के ले जाएगा, कोई साथ नहीं आएगा। आज समाज को साथ आने आगे आने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि मतलब जन अधिकार पार्टी कमजोर है, लेकिन आप लोग के सहयोग से आज बंद होगा तो इसका मैसेज दूसरा जाए। अनुभव करते हैं कि दरभंगा महाराज के पोता कमलेश्वर सिंह का भी हाथ ने 100% उसका हाथ है, कमलेश्वर सिंह का 100% हाथ है, और शिव कुमार जो मेन आरोपी है अभी तक पुलिस के गिरफ्त से बाहर क्यों है। सवाल ये भी प्रशासन को उठता है कि प्रशासन के मिली भगत से ही दरभंगा जिला में भूमि माफिया फूल फल रहे हैं, क्योंकि इतना रकम उनको मिलता है कि जैसे हर तरफ मुंह बंद करके रखते हैं। आज पिंकी कुमारी नहीं, ये पूरे बिहार तरफ पूरे हिंदुस्तान के एक पे बच्चे 3 परिवार को 8 महीने के बच्चे को कोख में मार देना और उसकी माँ की आत्महत्या कर देना पेट्रोल छिड़ के, मैं ये पूछना चाहता हूँ प्रशासन से
एसपी महोदय से कि जैसे भी जो ड्राइवर था वो अभी तक पुलिस के ग्रिप में क्यों नहीं है। इस समय प्रशासन वहाँ पर पहुंची, जेसीबी था वहाँ पर, तो ड्राइवर कैसे भागा वहाँ पे जब पुलिस वहाँ अरेस्ट कर चुकी थी, रोक चुके थे, पकड़ चुके थे, जिसका बाद बिना मिली भगत प्रशासन के ये इतना बड़ा क्राइम नहीं हो सकता दरभंगा में, क्योंकि प्रशासन भूमि माफिया का अंगरक्षक दे रही है। और नीतीश कुमार जी, बहुत वक्त देर नहीं है, जो बिहार की जनता और प्लस दरभंगा की जनता आपको सबक सिखाने का काम करे, आप प्रशासन को दारू के नाम पर दौड़ाने का काम कर रही है। 50 वर्षों से आपका विश्वासी दुबे क्लिनिक अपने उत्कृष्ट सेवाओं के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्डों से सम्मानित डॉक्टर सुनील दुबे के द्वारा सभी तरह के यौन रोग, गुप्त रोग एवं चर्म रोगों का सफल इलाज निसंतान दंपत्ति एक बार अवश्य मिले। दुबे क्लिनिक, सुभाष मार्केट, लंगर टोली चौराहा, पटना। इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक ओमी, तंजीम न्यूज़पेपर दरभंगा।